हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के बायोलॉजी पार्ट के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन हम इस वीडियो सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। 100 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन फटाफट हम देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहां पे भी जनरल साइंस या फिर बायोलॉजी एज ए सिलेबस इंक्लूड होता है, वहां पे इन क्वेश्चन में से आपको कोई 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जनरल साइंस इंक्लूड रहता है, चाहे वो रीट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पटवार हो। हर एक एग्जाम के अंदर आपको सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जनरल साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड कुछ 100 से ज्यादा क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक रिवाइज वीडियो रहेगा, जो कि आपकी स्टडी में, आपकी प्रिपरेशन को रिविजन करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। फटाफट यहाँ पे हो सकता है बोर्ड पे लिखा हुआ काफी ज्यादा छोटा हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको फटाफट वीडियो को सुनना है, वीडियो को समझना है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो लगभग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो ज्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को सुनते रहिएगा, ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा रिवाइज करने में हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सेकंड क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी जीवित कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की ऊर्जा करेंसी कौन सी होती है? तो आपको ध्यान में रखना है एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। पूछा ये भी जा सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। वही अगर हम बात करें 70S प्रकार का राइबोसोम, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित पाया जाता है। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इसी प्रकार से प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, उसमें भी 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित पाया जाता है। ये दोनों ही रचना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर उपस्थित पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर जो पाया जाने वाला राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गोल्जी गाय को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम है। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की कुल लंबाई 9 मीटर तक होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जल में घुलनशील विटामिन है। स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर उपस्थित पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्वाद में कैसा होता है? रुधिर स्वाद में नमकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है उन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। जो WBC होती है उन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। सामान्य मनुष्य की कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो लगभग एक सामान्य मनुष्य के अंदर 60,000 बिलियन से ज्यादा कोशिकाएं उपस्थित पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ज्यादातर आपको आंसर मिलेगा क्वाशियोर्कर मेरेस्मस, ये भी आपको याद में रखना है, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन जो मिलता है आपको वो मिलता है क्वाशियोर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी आरबीसी किस जंतु के अंदर उपस्थित पाई जाती है? कस्तूरी हिरण के अंदर सबसे छोटी आरबीसी उपस्थित पाई जाती है। शरीर में सिपाही, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के सिपाही किन्हें कहा जाता है? तो जो WBC है, जो ल्यूकोसाइट्स है, इन्हें शरीर के सिपाही कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी पैथोजन इंटर करता है हमारी बॉडी में उससे हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक कौन होती है? प्लेटलेट्स। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो रुधिर वर्ग की खोज की थी कॉर्ल लैंड स्टीनर ने। कॉर्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रुधिर वर्ग AB, AB and O रुधिर वर्गों की खोज की गई। रक्तदाब की खोज किसने की? हेल्स ने रक्तदाब ब्लड प्रेशर की खोज की थी। सर्वदाता, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है सर्वदाता। सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा कहलाता है? AB ब्लड ग्रुप सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है, जो ग्रहण कर सकता है। रुधिर आधान की खोज किसने की थी? ब्लंडल ने। मनुष्य की जिह्वा में स्वाद नलिकाएं कितनी होती है? तो लगभग 10,000 स्वाद नलिकाएं जीभ के ऊपर कणी के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं।
कौन सा जीव पराबैंगनी प्रकाश को देख सकता है? तो मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो पराबैंगनी प्रकाश को, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज शर्करा प्राप्त होता है किससे? गन्ने से। एंजाइम रहित पाचक रस कौन सा होता है? पित्त रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरता विटामिन है कौन सा? विटामिन जो उर्वरता विटामिन है, विटामिन ई उर्वरता विटामिन होता है। आगे बात करते हैं 31st क्वेश्चन की, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां उपस्थित पाई जाती है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा घटक उपस्थित पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक घटक कैल्शियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पसलियां कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो आपको ऑप्शन अगर 24 मिले तो 24 भी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में स्वस्थ मनुष्य द्वारा कुल कितनी मात्रा में पेशाब का उत्सर्जन किया जाता है? तो लगभग 1.5 लीटर उत्सर्जित कर दिया जाता है। मनुष्य जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो दो बार विकसित होते हैं? तो कुल 20 दांत ऐसे हैं जिनका दो बार विकास होता है। मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में उपस्थित पाई जाती है। सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक क्रियाएं की जाती है, और जो स्मरण की क्रिया होती है यह भी एक ऐच्छिक क्रिया है। हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार हृदय एक मिनट के अंदर धड़कता है। हृदय कब आराम करता है? तो जो दो धड़कने होती है उन दो धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। आपको ऑप्शन मिल सकता है कभी नहीं, तो वो आपका गलत आंसर रहेगा। राइट आंसर रहेगा जब दो धड़कने होती है, दो धड़कनों के बीच का जो समय है उसे शिथिलन अवस्था या विश्राम अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त होता है क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी रचना होती है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन या फिर आपका कह सकते हो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब को मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से। स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से रक्त दाब को मापा जाता है। रक्त का पीएच होता है 7.5 से लेकर 7.45 के बीच में, ये इसका माप रहता है पीएच स्तर का। डब्ल्यूबीसी की अधिक मात्रा होने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और ल्यूकोसाइट की अधिकता आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण, ल्यूकोसाइट की अधिकता के कारण ल्यूकोमिया रोग उत्पन्न होता है। आरबीसी बनती है, आरबीसी कहां बनती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो के अंदर बनती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन, 100 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखो, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर अधिकांश भाग पाचन का होता है। लार द्वारा किसका पाचन होता है? लार द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, स्टार्च का पाचन। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो स्टार्च का पाचन करता है? एमाइलेज एंजाइम। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। और ये जो रक्त शुद्धिकरण की क्रिया होती है ये कहां पर होती है? ये होती है किडनी के अंदर, रक्त के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन, आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के, जेनेटिक्स के फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का नियम किस पर आधारित है? जो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम है वह लैंगिक जनन की क्रिया के ऊपर आधारित है। ध्यान में रखना, कायिक जनन पर नहीं है, लैंगिक जनन की क्रिया के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं कौन? लेके जाता है कौन? कैरियर होता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र यहाँ पे कैरियर होते हैं जो अनुवांशिक लक्षणों को संतति में लेकर जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 54, 24D का पूरा नाम क्या है? तो 24D का पूरा नाम है 24-dichlorophenoxyacetic acid, जो कि एक प्लांट हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है, ध्यान में रखना। 24-dichlorophenoxyacetic acid 24D का पूरा नाम है, जो कि एक प्लांट हार्मोन है। 55 नंबर क्वेश्चन, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र पाए जा सकते हैं। आप लिख सकते हो 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 पेयर या फिर 46 गुणसूत्र मानव, साधारण मानव में पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, अधिकांश जातियों में लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ जातियों में लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित पाए जाते हैं। किनके अंदर? लगभग सरीसृपों के अंदर, जैसे छिपकली के अंदर, इनमें लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित रहता है, और पर्यावरणीय ताप के आधार पर उनके लिंग का निर्धारण किया जाता है। फटाफट देखो अगला क्वेश्चन, 57 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लसिका कोशिकाएं बनती है, तो लसिका कोशिकाएं कहां बनती है? तिल्ली के अंदर बनती है या फिर लसिका ग्रंथियों के अंदर बनती है। एटीपी बनते हैं, एटीपी किसके बनते हैं? एटीपी क्रेब्स चक्र के डाइट में बनते हैं, और क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब ने 1937 के अंदर क्रेब्स चक्र की खोज की थी। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुरता में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? तो मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, व्यस्क मानव में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो व्यस्क मानव में कुल 206 अस्थियां उपस्थित पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज, जो कि कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कहलाती है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में उपस्थित पाई जाती है। समुद्री घोड़ा अश्वमीन किसे कहते हैं? ये नाम किसके है? तो हिप्पोकैम्पस को नाम से जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है? तो जो ब्लू व्हेल मछली है ये सबसे बड़ा स्तनपाई है, जो कि लगभग 33 मीटर लंबा होता है। मनुष्य में वानर से पृथक, मनुष्य का जो पूर्वज होते हैं वो बंदर को माना जाता है। तो बंदरों से पृथक लक्षण कौन सा पाया जाता है? बुद्धि एक ऐसा लक्षण है जो बंदरों से मनुष्यों को पृथक करती है। डेविल फिश किसे कहा जाता है? तो ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। और ऑक्टोपस क्या है? एक सिफेलोपोड मोलस्का होता है। चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सेलोपसिस कहलाते हैं। हल्दी प्राप्त होती है, हल्दी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? प्रकंद से प्राप्त होती है। लौंग प्राप्त होता है, लौंग पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग फ्लावर बड से, पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होता है। लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, ये लहसुन की जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? सल्फर के कारण, गंधक के कारण ये गंध उपस्थित पाई जाती है। लाल मिर्च तीखी होती है, किसके कारण? लाल मिर्च में तीखापन पाया जाता है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। और लाल मिर्च का बोटेनिकल नेम कैप्सिकम एनुअम है, और इसमें कैप्सेसिन यौगिक उपस्थित पाया जाता है, जिसके कारण इसमें तीखापन पाया जाता है। विटीकल्चर द्वारा उत्पादित, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटीकल्चर अंगूर के संवर्धन की क्रिया को कहा जाता है, और अंगूर का जो बोटेनिकल नेम है वो है वाइटिस विनिफेरा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 76 नंबर क्वेश्चन, विकास का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था ह्यूगो डिब्रिज के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत का विशाल वन्य बिल्ली किसे कहा जाता है? तो भारत की विशाल वन्य बिल्ली चीता को कहा जाता है। मेमत पूर्वज थे किसके? हाथी के, हालांकि आज ये विलुप्त हो चुके हैं। मेमत को हाथी का पूर्वज माना जाता है। गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं उनमें क्या लक्षण पाया जाता है? उनके शरीर का जो ताप होता है वो सदैव स्थिर अवस्था में बना रहता है। बाह्य वातावरण के ताप के कारण इनका शरीर का ताप प्रभावित नहीं होता। 80 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया उपचार की औषधि कौन सी है? कुनेन प्राप्त किससे होता है? कुनेन छाल से प्राप्त होता है। कुनेन छाल से प्राप्त होता है। और ये जो कुनेन है ये किस पादप के छाल से प्राप्त होता है? ये सिंकोना ऑफिसिनेलिस पादप से प्राप्त होता है। डूबने से हुई मृत्यु, किसी इंसान की मृत्यु डूबने के कारण हुई है, इस बात का पता किससे चलता है? डायटम के द्वारा। डायटम का उपयोग किया जाता है उपचार के लिए कि मनुष्य की मृत्यु डूबने के कारण हुई है, क्या, इस बात का पता लगाने के लिए। 83 नंबर क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है, कपास किससे प्राप्त होता है? फलों में स्थित बीज के जो बीजावरण होते हैं, जो सीड कोट होते हैं, उनके चारों ओर कपास उपस्थित होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। और टमाटर का बोटेनिकल नेम क्या है? लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकान। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है, मशरूम एक प्रकार का फंगस है। लाइकेन के किसके मिश्रण से बनते हैं? लाइकेन शैवाल और कवक के मिश्रण से बनते हैं। मॉर्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मॉर्फिन का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। मॉर्फिन प्राप्त होता है किससे? अपरिपक्व फलों से, आधे पके कच्चे फलों से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? BGA ब्लू ग्रीन एल्गा नील हरित शैवाल के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, राइबोसोम संबंधित है। तो राइबोसोम किससे संबंधित है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, इस वजह से इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन, एड्स के उपचार में उपयोगी दवा कौन सी है? AZT, याद रखिएगा इसको, AZT एड्स के उपचार में उपयोगी दवा है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। 94 नंबर क्वेश्चन, शिशुओं में परकंपन किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंदर परकंपन की शिकायत उत्पन्न होती है। 95 नंबर क्वेश्चन, छीली हुई सब्जियों को जब धोया जाता है तो धोने से कौन सा विटामिन साफ हो जाता है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो जो निकल जाता है विटामिन वह है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 96, एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। मक्खन किसका स्रोत है? मक्खन वसा का स्रोत है। इसी तरह से मक्का किसका स्रोत है? मक्का कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। 99 नंबर क्वेश्चन, अंडाशय में संबंधित हार्मोन कौन सा होता है? तो महिलाओं के अंडाशय से संबंधित हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन।
100 नंबर क्वेश्चन, गायों में भैंस में दूध निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है गायों में भैंसों से दूध को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने जनरल साइंस के बायोलॉजी से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक उन बच्चों तक पहुंच सके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके रिविजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।